मॉर्निंग फ्रॉम बरसाना। आवा दूध देखो, जलेबी खाओगे? जलेबी कचौड़ी, वाह क्या ब्रेकफास्ट है। 20 रुपए प्लेट। यस। ससुराल में कोई पैसे देता है? जब भी हम लोग बरसाने की बात करते हैं तो बरसाना, जैसा मैंने कल बताया था, छोटा सा गांव है। यहाँ पर जो भी लोग हैं रहते हैं, या तो वो इस गांव के अपने ओरिजिनल बासिंदे हैं जो यहाँ रुकते हैं, जो खेती किसानी यहाँ पर करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो लोग आए हैं वो भक्त लोग हैं, जो कि कृष्ण को, राधा को बहुत मानते हैं, बहुत पूजते हैं, वो लोग यहाँ रहते हैं। तो ये पूरा माहौल जो है वो भक्तिमय माहौल है, और राधा रानी को सभी लोग मानते हैं यहाँ पर। हर एक इंसान जो गुजरता है, जो हर एक इंसान जो आपको पास करेगा, वो आपको जो ग्रीटिंग्स है वो राधे राधे करके होगी। आप फ़र्क नहीं कर पाएंगे कि क्या घर है, क्या मंदिर है, क्योंकि हर एक चीज़ भक्तिमय है यहाँ। तो आज हमारे घर पर भी एक छोटा सा फंक्शन है, तो अभी थोड़ी देर में वो फंक्शन शुरू होगा। तो हो गया आज का फंक्शन, और सभी साधु संतों का भोजन हो चुका है, और अब थोड़ी देर में हम लोग भोजन करेंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से। जो लोग अपनी अपनी गाड़ियों से डायरेक्टली मंदिर तक जाना चाहते हैं, ये उनका जैम है। यहाँ से रास्ता जाता है ऊपर के लिए राइट साइड से, ये है परिक्रमा मार्ग, राधा रानी मंदिर जिस पहाड़ पर है, उस पहाड़ के चारों तरफ से परिक्रमा होती है इस रास्ते से। नेशनल हाईवे से बरसाना कनेक्ट करना है तो छाता सबसे अच्छी जगह है। छाता से अगर आप बरसाने के लिए आते हैं तो रोड भी आपको अच्छी मिलेगी, सीनरी भी अच्छी मिलेगी, और ट्रैफिक बहुत कम। जब हम लोग छाता से और बरसाने की तरफ बढ़ते हैं तो थोड़ा एक रेलवे लाइन पड़ती है, उस पर अभी ओवरब्रिज बन रहा है, और जिसकी वजह से थोड़ा सा डाइवर्जन मिलता है, पर यह डाइवर्जन भी इतना खराब नहीं है, खेतों के बीच से है। किया है, जबरदस्ती लाइन में घुसाई है साइड से। एक लाइन थोड़ी सी स्लो थी तो ये जबरदस्ती भाई साहब घुसाए। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ट्रैफिक को खराब करते हैं, ट्रैफिक को और बदतर बना देते हैं। तो आप बड़ी से बड़ी गाड़ी खरीद सकते हैं, पर गाड़ी चलाने की जो अकल है या ट्रैफिक सेंस, वो आप को खुद ही लेना होगा। उसके लिए कोई दूसरा आपको कहीं से ले नहीं सकते, खरीद नहीं सकते। तो आ गए हम लोग अपने घर, और हो गया हमारा वीकेंड खत्म। हम लोगों ने बहुत मस्ती करी बरसाने में। आदू को बिल्कुल आने का मन नहीं कर रहा था कि वो अपनी नानी के घर से वापस आए। अगर आपने मेरा वीडियो पूरा देखा है तो, और जो मैंने बातें बताई, जैसे कि किस तरीके से लोग ड्राइव करते हैं और दूसरों की लाइनों में कूद कूद करके अपनी गाड़ियों को घुसेड़ते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि दूसरों को भी आप परेशान करते हैं। इसलिए कोशिश करें कि जो लाइन है, लाइन से ही चलें, लाइन से ही आप अपना टोल कटाएं, सिस्टम है उस सिस्टमैटिक वे से करें। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।